हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चटपटा सफ़र में। आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। देखिए हमें उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे। हमें चाहिए मैदा, धनिया, लहसुन। देखिए लहसुन, धनिया, मैदा। हम ये लहसुन को छील करके उसको बारीक बारीक कलियों में बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे, उसकी कलियों के बिल्कुल बारीक बारीक। हम उसको चिप्स जैसा बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। हम धनिया को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर वॉश कर कर रख लेंगे। अब हम इंस्टेंट यीस्ट तैयार करेंगे, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मिल्क और 2 चम्मच शुगर, मतलब 2 चम्मच पानी, 2 चम्मच शुगर, 2 चम्मच मिल्क और 1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट। हम उसको अच्छे से मिक्स करके एक तरफ साइड में रख देंगे 10 से 20 मिनट के लिए गर्म जगह पे, ताकि वो जल्दी से तैयार हो जाए। अब हम लेंगे मैदा, हम मैदे को छान लेंगे। 1 कप हमने मैदा लिया है, हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑरेगानो, 1 चम्मच पिंच ऑफ सॉल्ट, और आप चाहें तो नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं अगर आप तेज़ खाते हैं तो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो इंस्टेंट यीस्ट तैयार किया था मिक्सचर, उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसका आटा गूंद लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अगर हमें वो कम पड़ता है तो हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरा रेडी कर लिया है। अब हम इसको कम से कम 2 घंटे के लिए कहीं रख देंगे गर्म जगह पर। आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, ताकि इसमें ये डबल हो जाए, इसका जो डबल फूल जाए ये अच्छे से। देखिए ये अच्छे से फूल चुका है, ये डबल हो चुका है हमारा, इसमें डबल आटा आ चुका है हमारा ब्रेड का आटा। अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेकर उसको अच्छे से गूंथ लेंगे इस तरीके से, देखिए जिस तरीके से ब्रेड को गूंथना चाहिए। अब हम इसको 4 से 5 हिस्सों में कट करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने कटर से इसको काट लिया है 4 से 5 हिस्सों में। इसके अंदर हमने लहसुन भी ऐड किया था आटा गूंदने में, चिप्स जो हमने काटी थी गार्लिक की वो भी ऐड करी थी, देखिए इस तरीके से। अब हम इसको गोल 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 अच्छे इसको घुमाकर हम इसका बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, देखिए इस तरीके से हमने गोल रोटी बेल ली है, लंब गोल। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ जो हमने पहले से घर में बनाकर तैयार करके रखा था। अब हम इसके अंदर अच्छे से फैला देंगे मोज़रेला चीज़। अब उसके ऊपर हम डालेंगे धनिया जो हमने बारीक काट कर रखा था। अब उसके ऊपर हमने जो गार्लिक की जो काटी थी, जो लहसुन की कलियां हमने काटी थी बारीक बारीक, वो आधी हमने आटे में मिला दी थी, आधी हम इसके अंदर मिलाएंगे। अब हम डालेंगे ऑरेगानो ऊपर से टेस्ट के लिए, कम से कम 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स और डाल दिए हैं टेस्ट अनुसार, आप चाहें तो स्वाद अनुसार डालें, हमने कम से कम 1 टीस्पून से भी कम लिया है। अभी हम इसके ऊपर घी लगा देंगे, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, और इसको हाफ उसमें पलट देंगे, देखिए लम गोल जो है, लम गोल उधर से हाफ तरीके से पलट देंगे, उसकी क्रीज बना देंगे उंगलियों की हेल्प से, देखिए इस तरह से दबा दबा कर हम इसकी क्रीज बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसको क्रीज डिज़ाइन दी है गार्लिक ब्रेड को। ये हमारा बटर हमने पिघल लिया था, देखिए एक जो क्यूब आता है हमने उसको अच्छे से पिघल लिया है, उसके अंदर अब हम कोरिएंडर मिला देंगे। ये हम जिस प्लेट के अंदर बेक करने के लिए रखेंगे उसके अंदर हम पूरा ऊपर से कोरिएंडर और बटर डाल देंगे, और इस तरीके से हम छुरी की मदद से कट्स लगा देंगे उसको बेक करने रखने से पहले। ये हमने पैन के अंदर नमक ले लिया है गरम करने के लिए, बेक करने के लिए, और हम पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे पहले, ताकि सॉल्ट हमारा जो अंदर से है वो गरम हो जाए। अब हम इसको कम से कम ढक कर रखेंगे 20 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, हम इसको अच्छे से बैक होने देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ढक दिया है इसको, और अब हम इसको बैक होने देंगे कम से कम 20 से 30 मिनट। डेंटेड एंड नाउ अब हमारा एक गार्लिक ब्रेड
तैयार है। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची, बिल्कुल बाज़ार जैसा दिख रहा है, देखने में लग ही नहीं रहा है कि हमने घर में बनाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हमने ऑर्डर किया है और हमारे सामने गार्लिक ब्रेड आ चुका है। देखिए बिल्कुल हमारा कितना अच्छा क्रिस्पी क्रंची और कितना अच्छा लुक उभर के आ रहा है ये हमारा गार्लिक ब्रेड, जो कि हमने घर में ही बनाया है। देखिए अब हम इसको कट करेंगे। अब हम इसको पीसेस में जहाँ हमने निशान लगाए थे उस तरीके से हमने कट कर लिया है। और ये देखिए इसका अंदर से चीज़ भी पिघल गया है, तो कितना एकदम रबर सा, एकदम यमी सा ओह फीलिंग आ रहा है। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कैसा लगता है। देखिए जो हमने चीज़ डाला था, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।